नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान के नापाक शहर पर ओआईसी ने कश्मीर विवाद को एक बार फिर और हवा दे दी है और ओआईसी ने भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। ओआईसी के कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत से मुलाकात की और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे को उठाया है। इसके साथ ही साथ ओआईसी प्रमुख ने जम्मू कश्मीर में एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का भी प्रस्ताव दिया है और भारत पाक के बीच बैठक की सिफारिश भी की है। जानकारी देते चलें कि ओआईसी ने एक बयान जारी करके इस मुलाकात का ब्यौरा दिया है। बस इसी बात से गल्फ और भारत के रिश्तों को लेकर खलबली मच गई है। जानकारों की माने तो ये अपने आप में बेहद असामान्य घटना है कि भारतीय राजदूत ओआईसी के महासचिव के साथ मुलाकात करे और दूतावास या विदेश मंत्रालय को इसकी कोई खबर ना हो। इसके साथ ही साथ इस तूफानी खबर पर अभी तक विदेश मंत्रालय का कोई बयान सामने नहीं आया है। जानकारी देते चलें तो 2 साल पहले जब भारत के विदेश मंत्री यानी कि सुषमा स्वराज ने ओआईसी की बैठक में हिस्सा लिया था, यूएई ने भारत को इस बैठक में बुलाया था, इसे भारत के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत के रूप में देखा गया था और इसके विरोध में पाकिस्तान ने मार्च 2019 में हुए विदेश मंत्रियों की बैठक का बहिष्कार तक कर दिया था। लेकिन उस वक्त सऊदी अरब कश्मीर मुद्दे पर और भारत को आमंत्रित करने पर मजबूती के साथ खड़ा था, लेकिन अब का बयान कुछ और ही कह रहा है। जी हाँ, कश्मीर और भारतीय मुसलमानों को लेकर ओआईसी का बयान तब आया है जब ओआईसी के कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप के विदेश मंत्रियों की आपातकालीन बैठक हुई है, जिसमें अजरबैजान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की शामिल हुए। ओआईसी के महासचिव डॉक्टर यूसुफ अल ओत इमीन ने कहा कि भाई ओआईसी इस्लामी समिट विदेश मंत्रियों की काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार जम्मू कश्मीर के मुद्दे का समाधान चाहता है और इसको लेकर वो काफ़ी गंभीर भी है। अब आपको यहाँ जानकारी देते चलें कि ओआईसी के सदस्य देशों ने भारत के खिलाफ इस बार वाकई में कड़ा रुख अपनाया हुआ है और इसके साथ ही साथ कश्मीर को लेकर ओआईसी ने कहा है कि भाई लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं और इसके अलावा इस बैठक में भारत के 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने की भी आलोचना की है। और इतना ही नहीं, ओआईसी ने पाकिस्तान की चाल में फंसते हुए भारत पर मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर जारी रिपोर्ट का समर्थन भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई इस बार कैसे पाकिस्तान की जाल में ओआईसी फंस गया है और किस तरह भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। अब देखना ये होगा कि भाई आगे भारतीय विदेश मंत्रालय इस पर क्या बयान देता है और इसको लेकर सऊदी अरब क्या कहता है, क्योंकि ओआईसी का सबसे ताकतवर राष्ट्र सऊदी अरब है जिसके इशारे पर ही ओआईसी चलता है।